साथियों, एक महान नेता वो होता है जो एक बड़े लक्ष्य के लिए न केवल खुद को समर्पित करता है बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं और व्यवस्थाएं भी तैयार करता है। इसके लिए हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, सबके विश्वास को आगे बढ़ाना होता है। लोकमान्य तिलक के जीवन में हमें ये सारी खूबियां दिखती हैं। उन्होंने अंग्रेजों ने जब उन्हें जेल में डाला, उन पर अत्याचार हुए, उन्होंने आजादी के लिए त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की, लेकिन साथ ही उन्होंने टीम स्पिरिट के, सहभाग और सहयोग के अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किए। लाला लजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ उनका विश्वास, उनकी आत्मीयता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। आज भी जब बात होती है तो लाल बाल पाल के तीनों नाम एक त्रिशक्ति के रूप में याद किए जाते हैं। तिलक जी ने उस समय आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारिता और अखबार की अहमियत को भी समझा। अंग्रेजी में तिलक जी ने, जैसा शरद राव ने कहा, द मराठा साप्ताहिक शुरू किया। मराठी में गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी के साथ मिलकर उन्होंने केसरी अखबार शुरू किया। 140 से भी ज्यादा समय से केसरी अनवरत आज भी महाराष्ट्र में छपता है, लोगों के बीच पढ़ा जाता है। ये इस बात का सबूत है कि तिलक जी ने कितनी मजबूत नींव पर संस्थाओं का निर्माण किया था। साथियों, संस्थाओं की तरह लोकमान्य तिलक ने परंपराओं को भी पोषित किया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए सार्वजनिक गणपति महोत्सव की नींव डाली। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और आदर्शों की ऊर्जा से समाज को भरने के लिए शिव जयंती का आयोजन शुरू किया। ये आयोजन भारत को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने के अभियान भी थे और इनमें पूर्ण स्वराज की संपूर्ण संकल्पना भी थी। यही भारत की समाज व्यवस्था की खासियत रही है। भारत ने हमेशा ऐसे नेतृत्व को जन्म दिया है जिसने आजादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए भी संघर्ष किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नई दिशा भी दिखाई। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी सीख है।